हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है दिवाशीष और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बोट की तरफ से आने वाला एक ब्लूटूथ स्पीकर का, जिसका मॉडल नंबर है बोट रग्बी। और इस स्पीकर को मैंने परचेस किया है तकरीबन 1300 रुपये में फ्लिपकार्ट से। और आइए जानते हैं कि इस वीडियो में कि इसमें क्या कुछ चीज़ें लगी है मुझे खास और क्या कुछ चीज़ें लगी है बिल्कुल भी बकवास। सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बॉक्स एंड बॉक्स कंटेंट की, तो इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके का है, जिसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखे गए हैं जो कि आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बॉक्स कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप लोग को दो केबल्स, यूजर मैनुअल्स वगैरह मिल जाता है। केबल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक है आपका USB टू माइक्रो USB, इसे चार्ज वगैरह करने के लिए। उसके बाद है एक ऑक्स केबल। अगर मैं केबल्स की क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे कुछ खास नहीं लगा बिल्कुल भी, केबल्स की क्वालिटी एकदम बेकार सा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड इसकी डिज़ाइन की, तो इसका जो डिज़ाइन है कुछ रग्बी डिज़ाइन का है, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं। इसीलिए इसका जो मॉडल नंबर है ब्लूटूथ रग्बी है। चारों ओर आप लोगों को मेटलिक ग्रिल देखने को मिल जाता है, उसी के ऊपर यहाँ पे रबराइज्ड कोटिंग देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से इसका जो एक ग्रिप है पकड़ने का वो थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, हाथ से गिरने विरने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। बटन्स एंड पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पे पावर बटन, उसके बाद वॉल्यूम डाउन, उसके बाद कॉल रिसीव और सॉन्ग्स को फॉरवर्ड करने के बटन, उसके बाद यहाँ पे प्लस का बटन यानी कि वॉल्यूम अप का बटन, उसके बाद यहाँ पे बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। साइड की तरफ आप लोगों को यहाँ पे दो पोर्ट्स मिल जाता है, सबसे पहला है यहाँ पे ऑक्स पोर्ट और दूसरा है यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट। साथ ही साथ इसमें एक आप लोगों को माइक भी मिल जाता है, जिसकी मदद से अगर गाना सुनते वक्त किसी का कॉल्स वगैरह आ जाए तो आप इस डायरेक्टली माइक के जरिए कॉल्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। कॉल रिसीव करने का ये रहा बटन, और इसे प्रेस करके आप डायरेक्टली इस ब्लूटूथ स्पीकर के जरिए ही कॉल्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोग दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फ़ोन के साथ या फिर अपनी लैपटॉप पीसी के साथ। तो सबसे पहला है ब्लूटूथ, और ब्लूटूथ का कौन सा वाला वर्जन है वो नहीं कहा गया है, ना ही बोट की वेबसाइट में है, ना ही इसकी यूज़र मैनुअल में है, ना ही फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है ऑक्स पोर्ट, तो इस दो पोर्ट के ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कनेक्टिविटी इसका बहुत ज़्यादा फास्ट है, यानी कि जब भी आप लोग फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे जस्ट आप लोगों को पावर बटन यहाँ पे ऑन करना होगा, उसके बाद आपका जो फ़ोन का जो ब्लूटूथ है उसे ऑन करना होगा, और सिंपली ये जो है ब्लूटूथ आपका आसानी से कनेक्ट वगैरह हो जाएगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा पेयर करने में समय लग सकता है, लेकिन सेकेंड टाइम से आपका बहुत ही ज़्यादा ईजीली हो जाएगा। और मेरे यहाँ पे बहुत सारा ब्लूटूथ डिवाइस है इसीलिए ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। और जस्ट सिंपली आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपली आप लोगों को आपका जो फ़ोन का ब्लूटूथ है उसे ऑन करना होगा, और ये जो है आपका बोट रग्बी यानी कि ब्लूटूथ स्पीकर ये कनेक्ट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर का LED लाइट इंडिकेट हो रहा है या जब भी आप लोग पावर ऑन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दो स्पीकर्स आप लोगों को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स का साउंड आप लोगों को मिल जाएगा दो स्पीकर्स की वजह से। 5 वाट करके एक एक स्पीकर है यानी कि टोटल 10 वाट का आउटपुट। पीछे की तरफ आप लोगों को एक पैसिव रेडिएटर भी दिया गया है, जिसकी मदद से इसका जो साउंड का जो क्वालिटी है यानी कि बेस का जो क्वालिटी है और ज़्यादा इंक्रीज भी हो जाता है। और अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सॉन्ग प्ले करके सुना देता हूँ कि इसमें जो है किस तरीके का सॉन्ग्स का जो क्वालिटी है किस तरह से मिलेगा आप लोगों को। तो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कुछ इस तरीके का है, जैसे कि आप लोगों ने अभी थोड़ा सा सुना।
और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी की, तो इसका जो बैटरी है वो 1800 mAh का एक बड़ी बैटरी दिया गया है, और बोट ये कहता है कि 8 घंटे तक का चलेगा, लेकिन हाँ सच में वो 8 घंटे तक का ही चलेगा अगर आप लोग 50 या फिर 60% से सुनते हैं। अगर आप लोग हाई वॉल्यूम पे फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं तो तकरीबन 6 से 6.5 घंटे के बैकअप आप लोग को मिल जाएगा। बैटरी को चार्ज करते टाइम की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4 से 4.5 घंटे लगेगा अगर आपके पास कोई 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का चार्जर है। और जब भी आप लोग यहाँ पे चार्ज करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी एक रेड कलर का LED लाइट है जो कि जल रहा है, तो इसकी वजह से आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ आपका जो चार्ज है वो हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे चार्जिंग का कोई भी और चीज़ें नहीं दिए गए हैं। मान लीजिए अगर आपका बैटरी कितना परसेंट तक है वो आप नहीं जान पाएंगे। और इसमें जो ये ब्लू कलर का LED है जो इंडिकेट हो रहा है, और उसके बाद जब भी आप लोग अपना ऑक्स केबल के ज़रिए अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप PC में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो जो ब्लू कलर का जो LED है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन वो अभी जल रहा है, ब्लिंक वगैरह नहीं कर रहा है। तो एक नज़र डाल लेते हैं प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो इसका प्रॉज है वो इसका बेस है। जी हाँ, इसका जो पैसिव रेडिएटर की मदद से इसमें जो बेस का जो आउटपुट मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा आप लोगों को, कोई निराश नहीं होंगे आप इसकी बेस से। इसके बाद इजीली कनेक्ट हो जाता है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद इसका जो बैटरी है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को आराम से 1 दिन तक बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 8 घंटे तक का आराम से मिल जाएगा 60 या फिर 50 या फिर 60% से अगर आप लोग सुनेंगे तो। अब एक नज़र डाल लेते हैं इसकी क्या कुछ चीज़ें लगी जो मुझे बिल्कुल भी खास नहीं लगी। तो सबसे पहला इसकी रबराइज कोटिंग, तो जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं ये आसानी से कभी कभी निकल जाता है और इतना ये फिट भी नहीं है जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं, और इस चीज़ को मुझे एकदम से खास नहीं लगा। ऊपर से इसमें जो बहुत ज़्यादा मैला वगैरह भी बैठ जाता है, अगर आपके हाथों में थोड़ा बहुत भी मैला है और आप अगर इस स्पीकर को गलती से पकड़ ली उस टाइम पे तो आपका जो हाथों का सारा मैला वगैरह है वो यहाँ पे बैठ जाएगा, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं थोड़ा बहुत बहुत सारा मैला वगैरह आ गया है। इसके बाद इसमें जो एक और चीज़ मुझे खास नहीं लगी, इसकी साउंड का लाउडनेस। जी हाँ, इसमें जो साउंड का जो इसका लाउडनेस है वो उतना अच्छा नहीं है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरे पास एक और स्पीकर है JBL का Clip 2, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 वाट का है। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ये 3 वाट और इक्वल टू 10 वाट बन जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि JBL का 3 वाट और बोट का 10 वाट का ये स्पीकर एकदम बराबर से साउंड क्वालिटी मिलता है, यानी कि साउंड का जो लाउडनेस है। उसके बाद है ऊपर से ये रस्सी, और इस रस्सी को देखते हुए ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत ही चीप क्वालिटी का है, जो कि इससे थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए था बोट को। इसके बाद इसमें कुछ भी बैटरी का इंडिकेटर नहीं दिया गया है ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चले कि हाँ इसके अंदर अभी कितना बैटरी अभी है और कितना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग कोई Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हैं और अगर आप लोग अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैटरी ब्लूटूथ की साइड में एक आप लोगों को इंडिकेटर मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं यानी कि मेरा अभी इसका जो बैटरी वो फुल है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई Xiaomi का फ़ोन के अलावा कोई दूसरा फ़ोन है तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ होता होगा, क्योंकि मैंने एक नोकिया के फ़ोन में भी टेस्ट किया था, उसमें ये इंडिकेटर नहीं दिया गया था। तो अब सवाल ये है कि क्या आप लोगों को ये स्पीकर परचेस करना चाहिए कि नहीं, और क्या ये वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो जी हाँ, मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है इस प्राइस रेंज के अंदर, यानी कि अगर आप लोगों को 1300-1200 में मिल जाता है तो आई थिंक आप लोगों को ले लेना चाहिए, कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। साउंड आप लोगों को एकदम भी निराश नहीं करेगी, बेस भी निराश नहीं करेगी, इस प्राइस रेंज के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट मेरे ख्याल से स्पीकर है। तो अगर आप लोगों को इस स्पीकर को परचेस करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक है, वहाँ से जाके आप इस स्पीकर को परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, ऐसा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।